जमान, जो हमारी अगले हफ्ते प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है उसके सारे इंतजाम हो गए ना? जी बिल्कुल सर, सब इंतजाम हो गए। देख लो, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर, डोंट वरी। थैंक यू, जाओ। यस सर। अरे यास्मीन, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अच्छा, किस खुशी में? हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही है ना नेक्स्ट वीक में, उसमें मॉइस्चराइजर है, क्लींजर है, सन ब्लॉक है और फेस क्रीम है, और ऐसा जबरदस्त रिजल्ट है, तुम्हें भिजवा दूं एक आध? क्यों, मैं ही रह गई हूँ तजर्बे करने के लिए। अरे तजर्बा नहीं है, तुम एक दफा लगाओ तो सही, स्किन तुम्हारी यंग लड़कियों की तरह हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है ना, आप अपने मुंह पर मल लें, और मैंने जिस बात के लिए फोन किया है वो बात सुने। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? मैंने आपसे कहा था कि सारा को समझाएं, आपने कुछ किया? अरे सारा माशाल्लाह हमारी बेटी है, समझदार है, और मैं उसको क्या समझाऊं, मुझे बताओ। जी जी, आप समझदार हैं, वहाँ वो समझदार है। अरे कभी तो बाप होने का फर्ज अदा करें, खुद तो दूसरी शादी रचाकर बैठ गए और जवान बेटी के रिश्ते की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे यास्मीन, मुझे ख्याल है, बहुत ख्याल है। वो तो नजर आ रहा है कि कितना ख्याल है। अरे जब वक्त आएगा तो शादी हो जाएगी ना, तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो यास्मीन। तारा की नौकरी लग गई है, वो पहले भी शादी के लिए राजी नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। आप उसे समझाएं कि इस नौकरी वोकरी के चक्कर से बाहर निकल आए। यास्मीन देखो, वो जो कर रही है ना, प्लीज उसको करने दो। ये तो फिर वही बात हुई ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जितना ख्याल आपने अपनी स्किन का रखा है ना, उतना ही ख्याल अगर अपने रिश्तों का रखते तो आज ये नौबत ना आती। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो यास्मीन, ओ प्लीज मत कर दिया, बड़ी बदतमीज है, शोर से इस तरह बात करते। खैर देख लूंगा, टेंशन हो गई, टेंशन टेंशन में क्रीम तो बनती है ना, आए हाय ज्यादा लग गई।